जनपद औरैया में ब्राह्मणों पर हो रहे उत्पीड़न की पहल में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की अहम भूमिका। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद औरैया के जिला अध्यक्ष पंडित ब्रजकिशोर तिवारी अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ पुलिस कप्तान औरैया से मिले और जनपद में हो रहे ब्राह्मणों के उत्पीड़न को रोकने के लिए अपनी बात रखी। जनपद में हो रहे ब्राह्मणों के साथ हो रहे अन्याय पर न्याय दिलाने की मांग की। पुलिस कप्तान अर्पणा गौतम ने प्रतिनिधि मंडल की बात ध्यान से सुनी और भरोसा दिलाया कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। प्रतिनिधि मंडल द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेकर निष्पक्षता से जांच कराई जाएगी। कुछ मामलों में विधिक राय लेकर कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं, जिसके लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद औरैया ने पुलिस कप्तान को धन्यवाद दिया। प्रतिनिधि मंडल में जिला संयोजक प्रशांत मिश्रा, जिला संरक्षक अर्पित दीक्षित, अधिवक्ता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष आकाश मिश्रा, जिला कोषा अध्यक्ष विवेक दीक्षित, महेश पांडे, अनुराग बंटी दीक्षित, गुड्डू दुबे, करुणा दुबे आदि लोग मौजूद रहे। औरैया ब्यूरो, नितेश यादव की रिपोर्ट। इसमें तो हमारी भारत सरकार जो जन कल्याणकारी लोक हितकारी योजनाएं बच्चों के लिए नौनिहाल के लिए लेकर के आई है, काफ़ी समय से राष्ट्रीय पोषण मिशन का कार्यक्रम चल रहा है, उसी के कार्यक्रम में पूरे महीने 1 सितंबर से 30 सितंबर तक 4 पखवाड़े में 4 तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया है और इसमें हमारे ज़िले के अधिकारी, हमारे ब्लॉक के अधिकारी, पूरा गांव-गांव जा करके जन जागरूकता अभियान चला करके और कुपोषित बच्चों को पूरा लाभ देने के लिए, हिस्सा बनाने के लिए जो हमारी सरकार ने संकल्प लिया उसके परिप्रेक्ष्य में लोग कार्य कर रहे हैं। और आप लोग जानते ही हैं कि जिस तरीके से हमारे यहाँ के अधिकारी अपनी पूरी मनोयोग से कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, निश्चित रूप से हमें लगता है कि ये मिशन जो मोदी जी का सपना है पूरी तरीके से साकार होगा और आने वाले दिनों में श्रावस्ती में कुपोषण की मात्रा 0 हो जाएगी। और ऐसे ही अगर प्रयास रहा तो आप लोगों के बीच में फिर कोई दूसरा कार्यक्रम आएगा जल्द से जल्द कुपोषण को समाप्त करने के लिए जो अधिकारियों ने लक्ष्य बनाया है उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। हम आप सब लोग मिलकर के नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं। नई सोच नई उम्मीद के तहत हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में हर बच्चा, हर परिवार जब खुशहाल होगा तब ये देश खुशहाल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपके द्वारा। आंगनबाड़ी केंद्रों का जो उद्घाटन किया गया है, पूरे ज़िले में 45 आंगनबाड़ी केंद्र बने हुए हैं और आंगनबाड़ी का जब तक केंद्र नहीं होगा, हमारी जो आंगनबाड़ी बहनें हैं जब वो अपने आप को सुरक्षित नहीं होंगी तो उस क्षेत्र में काम क्या करेंगी। उनका एक ऑफिस होगा, होना चाहिए, उसी परिप्रेक्ष्य में ऑफिस बना है, वो अपने वहाँ बैठेंगी और अपने निकटवर्ती गांव जहाँ जहाँ उनको जाना है वहीं से सारा डिस्ट्रीब्यूशन उनका होगा और पूरी तरीके से कुपोषित बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान दे करके और उनको लाभ देने का फ़ायदा मिलेगा।